हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल ऑफ संत थॉमस स्कूल टंडवा चकवा। सो नाउ आई होप यू आर वेरी फाइन। सो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। सो आप लोग को पता है कि कोविड-19, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, दिस इज अ मोस्ट डेंजरस वायरस। तो इस वायरस से हमें बचना है और दूसरे को भी बचाना है, तो इसके लिए हमें सरकार के नियमों का पालन करना होगा। जस्ट लाइक सरकार की कुछ शर्तें हैं, नियम हैं, तो वो हम लोग को सरकार बता रही है कि आप लोग घर से ना निकले, मतलब स्टे होम एंड सेफ होम, सही बता रही है। तो आप लोगों को घर में रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है, सेफ रहना है। उसके साथ आप लोगों को घर में रहने के साथ आप लोगों को जो भी चीजें वो क्लीन रखना है, और क्लीन के साथ आप लोग हैंड भी सैनिटाइज करते रहिए और हैंड वॉश करते रहिए। उसके साथ आप लोग अपना मास्क यूज किया कीजिए माउथ में, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग का ये बीमारी ज्यादा न फैले। और ये जो है कोविड-19, ये ज्यादातर बीमारी होता है हमारे एक दूसरे के टच में आने का, कॉन्टेक्ट में आने का। इसलिए आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, और आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और दूसरों को इसको पता नहीं, जैसे आपको कुछ वैसे होंगे गाँव में जिनको पता नहीं होगा ये सब, तो उनको उनसे ये अनुरोध है, आप लोगों से ये हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग उन्हें भी बता सकते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, आप लोग मुंह को ढक के रखें या छींकने और या खांसी करने से पहले आप लोग कोई भी कपड़े का यूज किया कीजिए, और तो आप लोग घर से बाहर ना निकलें, ये जरूर ध्यान रखें। तो इसलिए आप लोग को हम अब घर में बैठे बैठे आप लोग बोर हो गए होंगे, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए फिर अब चलते हैं न्यू चैप्टर, मतलब ये ऑफिशियल चैनल जो है इस पे हम आप लोगों को इसी के जरिए हम कुछ बताएंगे, जो भी टॉपिक होगा मैथ या साइंस उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टार्ट योर चैप्टर 1, नोइंग आवर नंबर्स ऑफ मैथ्स। तो ये जो चैप्टर है मैथ का चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नोइंग आवर नंबर्स। तो आप लोगों को नंबर्स के बारे में पता होगा, तो नंबर्स के बारे में पता है, तो अभी हमें नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नंबर है, वो नहीं देखेंगे हमें नंबर्स, वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट हमें अभी नोइंग आवर नंबर्स, वो जो नंबर जो होता है उसमें कंपेयर करने के बारे में, जैसे आप लोगों को पता होगा कि नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब नंबर होते हैं, तो हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। अभी जो हम देखेंगे अब कंपेयरिंग नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग नंबर्स, नंबर जो होता है उसमें कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा नंबर स्मॉल होगा, उसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान दें, तो आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर है नोइंग द नंबर। सो आप लोग अब से 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जो भी रहेगा लेक्चर, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। एवरीवन लिसन केयरफुली एंड नाउ वॉच मी। सो कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स, तो कंपेयर कैसे कर पाए, हम लोग को प्रॉब्लम होता है कंपेयर कैसे कर पाए, तो इसमें हम अभी 2 या 3 रूल्स बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर पाएंगे किसी भी नंबर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखिए कंपेयरिंग नंबर्स कंपेयर करना है, तो ये देखिए स्मॉल नंबर आता है तो उसे तो हम कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रेटर नंबर होगा उसमें हमें परेशानी होती है, क्योंकि ये सब स्मॉल नंबर के बारे में हम लोग बचपन से ही जानते हैं, इसलिए कंपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। बट प्रॉब्लम उस केस में होता है जब नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर हो, ज्यादा होता है। तो जस्ट लाइक दैट यहां पे देखिए भाई, माही हैज 10 बॉल्स एंड मुस्कान हैज 7 बॉल्स। माही के पास 10 बॉल्स है एंड मुस्कान के पास 7 बॉल्स है, तो इसमें दिख रहा है कि हमारे माही के पास 10 बॉल्स है और मुस्कान के पास 7 बॉल्स है, तो कंफर्म है कि माही के पास 10 बॉल्स है, मुस्कान के पास 7 बॉल्स है, तो 10 जो होगा नंबर ज्यादा होगा और 7 जो होगा वो कम होगा। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सिंबल होता है वो ग्रेटर कैसे देते हैं, जैसे जो नंबर ग्रेटर होता है उसके साथ ही ओपन माउथ रहता है, और जो नंबर लेस होता है उसके साथ ही क्लोज माउथ होता है, इधर से क्लोज हो जाएगा और जो ग्रेटर नंबर होगा उसमें ओपन होगा, और अगर इक्वल रहेगा तो इक्वल होता है। तो इसलिए ये तो स्मॉल नंबर था, तो स्मॉल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली बता सकते हैं कि ये नंबर ग्रेटर होगा। तो इसमें हम रूल जो फर्स्ट बताने जा रहे हैं वो एक डिजिट के नंबर बता रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट कैसे हम बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल 1 है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बोथ द नंबर्स, द नंबर विद मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। मतलब इसमें ये कह रहा है अगर काउंट कर रहे हैं आप लोग नंबर ऑफ डिजिट, जो
नंबर में उसका डिजिट काउंट कर सकते हैं। डिजिट काउंट करने के बाद जिसका डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर ज्यादा होगा, जिसका डिजिट कम होगा उसका नंबर कम होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो इसमें देखिए आपको एग्जाम्पल जो होता है ये 3, 4, 5, ये जो मेरे पास क्या है ये मेरा नंबर है और ये क्या है 65 भी नंबर है, जिसमें से आप लोग ये समझे कि 3, 4, 2, 5 जो है इसमें डिजिट कितना 1, 2, 3, 4, इसमें 4 डिजिट है तो इसमें 4 डिजिट है तो 4 डिजिट जो होगा और इसमें कितना 1, 2, 2 डिजिट है तो 4 डिजिट जो होगा वो ज्यादा होगा और 2 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो कम होगा। तो ये हम क्या करेंगे ऐसे करके सिंबल दे देंगे 3, 4, 2, 5 ग्रेटर है 65। तो ये मेरा फर्स्ट रूल हुआ जिससे आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, तो ये काउंट करने के बेसिस में हम बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग अभी देखिए कि रूल नंबर फर्स्ट में जो था हम लोग डिजिट काउंट करके बता रहे थे कि हम लोग का कौन सा नंबर कंपेयर कर रहे थे कि ज्यादा होगा कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेस होगा। बट अब हमें रूल नंबर सेकेंड में जो दिया है उसमें क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट एक सेम, मतलब इसमें जो दे रखा है डिजिट जो होगा वो सेम होगा तो सेम होने के बाद हम कैसे उसे ग्रेटर बता सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर होगा कौन सा नंबर लेस होगा। तो इसमें हम जो देखेंगे कोई भी नंबर हो उसके लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम पॉइंट को देखेंगे, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से देखेंगे और उसमें काउंट देखेंगे कि डिजिट कौन सा डिजिट किसका ग्रेटर है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम कंपेयर द डिजिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड the number with greater digit on the extreme in left side is greater, मतलब जिसमें जैसे मेरे पास दो नंबर आ गए इसमें ये बताना चाह रहे हैं हम, जैसे मेरे पास ये दो नंबर दोनों का डिजिट देखेंगे 7, 2, 6, 8 और इसमें 3, 2, 5 तो इसमें देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 डिजिट है, इसमें 1, 2, 3, 4 डिजिट है। अब दोनों में तो डिजिट सेम है, अभी उससे फर्स्ट बार में हम बताए थे कि जिसका डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर ज्यादा ग्रेटर होगा, जिसका डिजिट लेस होगा वो नंबर लेस होगा मतलब कम होगा। तो वैसे ही अगर इसमें दोनों में डिजिट सेम है तो इसमें कैसे कम मतलब कंफर्म करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर जब करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो ये वाले नंबर का लेफ्ट साइड 7 हो गया, इसमें भी लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो 3 हो गया। तो जैसे हमारे पास 7 से 6 नंबर लिख गया 3 से 5 हो गया, दो नंबर था ये दो नंबर को हम ले। अब इससे जो है ये जो नंबर है वो 7 है, इसका लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर तो देन 7 है, इसका जो एक्सट्रीम है लेफ्ट वो 3 है तो 7 और 3 इसमें से आप लोग को पता है कि 7 जो होता है वो ग्रेटर होता है और 3 जो होता है वो लेस होता है तो 7 ज्यादा होगा 3 से, इसलिए मेरे पास तो ये जो नंबर है इस नंबर से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे लेकिन 7 into 6 है ग्रेटर देन 3 to 5 और उसके बाद 7 into 6 इज ग्रेटर देन 3 to 5। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं अगर दो नंबर सेम रहेगा तो दोनों नंबर का डिजिट जो होगा वो लेफ्ट साइड से करके और उसके बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कितना ग्रेटर होगा। तो हम लोग इसके लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग अभी देख रहे थे कि रूल नंबर 2 में हमें बताया जा रहा था कि टू नंबर्स गिवे हो और दो नंबर्स में उसका डिजिट सेम हो, सेम होने के बाद हम उसका कंपेयर कैसे कर सकते हैं उसके लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे नंबर डिजिट को और लेफ्ट वाले डिजिट में जिसमें ग्रेटर डिजिट होगा वो नंबर मेरा ग्रेटर होगा। बट अब जो हमें रूल नंबर 3 है सेम कंडीशन उसी टाइप से बट समथिंग इज डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस है इसमें। इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसमें क्या रहेगा इफ दैट डिजिट इज आल्सो सेम, वो नंबर दोनों नंबर अगर सेम कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट एंड डिजिट टिल द डिजिट, मतलब वो दोनों नंबर सेम हो और वो कुछ डिजिट तक रिपीट करने के बाद भी क्या है वो सेम रहता है। तो सेम जब रहता है तो उसे हम कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर दोनों कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग के पास जैसे हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझा रहे हैं आप लोग समझिएगा। तो देखिए इधर व्हिच इज ग्रेटर 5378 एंड 5328, ये दोनों में कंपेयर करना है, ये दोनों में देखिए यहां पे देखिए 5378 एंड 5328, यहां पे ये देखिएगा कि हमारे पास
फोर डिजिट इसमें भी हो गया, इसमें भी 1 2 3 4 डिजिट हो गया, दोनों में 4 डिजिट है और दोनों नंबर मेरे पास सेम। तो इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट डिजिट देखते हैं लेफ्ट साइड से, जैसे उसमें किए थे लेफ्ट साइड से कंपेयर, वैसे इसमें भी लेफ्ट, इसमें लेफ्ट जो डिजिट होगा वो ये होगा 5 और इसमें भी लेफ्ट जो डिजिट होगा ये होगा 5, तो दोनों 5 है इसलिए इक्वल हो गया। इसमें 3 है लेफ्ट में और इसमें जो है इसमें भी क्या है 3 है लेफ्ट, तो दोनों में सेम हो गया। तो अभी तक तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, कि दोनों में सेम आ रहा है। फिर थर्ड डिजिट देखते हैं तो इसमें मेरा 7 आ रहा है और इसमें देख रहे हैं थर्ड डिजिट इसमें मेरा 2 आ रहा है, तो ये 7 जो होगा वो 2 से ग्रेटर होगा। तो हमें पता चल गया कि इसमें ग्रेटर है कौन होगा, ये 5 है, मतलब ये जितना बार रिपीट करेगा फर्स्ट लेफ्ट साइड से देखेंगे कंपेयर करते हुए, और जब तक हमें ये वैल्यू डिफरेंस ना आ जाए, मतलब एक दूसरे से डिफरेंस रिपीट करते जाएगा, जैसे ये 5 का सेम 3 भी का सेम तो रिपीट कर रहा था, उसके बाद फिर एक वैसा डिजिट आया जिसमें हमें एक ग्रेटर मिल गया, तो जब ये ग्रेटर मिल गया तो ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा ग्रेटर और ये नंबर लेस हो जाएगा। तो आप लिख सकते 5 3 7 8 ग्रेटर देन 5 3 2 8 एंड 5 3 7 8 इज ग्रेटर देन 5 3 2 8। तो आप लोग ये जो थ्री रूल्स बताए इस रूल से आप लोग क्या कीजिएगा, फाइनल कंपेयर कीजिएगा, कोई भी नंबर गिवन रहेगा तो आप लोग। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, अब आप लोग का वो जो लेक्चर था वो सब खत्म हो गया जितना भी समझाना था, अब आप लोगों का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का कंपेयर सबसे, मतलब ये नंबर में कंपेयर करना है कौन सा नंबर ग्रेटर होगा कौन सा नंबर लेस होगा। तो आप लोग का ये अब ये क्वेश्चन है, ये अब ये क्वेश्चन है और यहाँ है, तो दो दो नंबर है सभी से दिया हुआ, तो आप कंपेयर करके मतलब वो जो थ्री रूल्स बताए उसी रूल से कंपेयर करके और आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर सेकेंड में क्वेश्चन जो है पुट द साइन, आप लोग को पता होगा साइन क्या होगा, ये साइन ग्रेटर देन लेस देन और ये इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये साइन ये ऐसे रहा तो ये उस साइड रखेंगे जो नंबर ग्रेटर होगा, जैसे ये 10 हो गया तो 10 ग्रेटर नंबर हो गया तो ये ओपन माउथ रहेगा, और अगर ये 6 हो गया तो 6 स्मॉल नंबर है 10 से इसलिए क्लोज माउथ रहेगा। तो आप लोग को ये साइन पुट करना है, जिधर ये वैल्यू ग्रेटर होगा उधर माउथ ओपन रखना है, अगर इधर लाएगा ग्रेटर वैल्यू तो इधर ये माउथ इस टाइप से ओपन रखना है। तो आप लोग ये साइन पुट कर सकते हो क्योंकि ये सब आप लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अरेंज द फ्लोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, आप लोगों को पता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम, तो आप लोग इसे भी फाइंड करके और देख सकते हो। और फोर्थ जो क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है, तो आप लोग इस टाइप से ये तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपना वीडियो को वहां पे पॉज करके मतलब रोक के उसके बाद क्वेश्चन लिख लोगे और उसके बाद इसे सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करके आप लोग को अगर इसमें किसी भी टाइप का डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप लोग को समझ में नहीं आता नहीं आएगा, तो आप लोग क्या कीजिए इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहिए, रिपीट कीजिए और बार बार कर देखिए, और देखने के बाद आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा क्या सर समझाए और क्या है, कि आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग रिपीट करके बार बार और देख सकते हैं। उससे भी अगर समझ में नहीं आए तो इसमें कमेंट करके कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी भी टाइप का डाउट हो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो उसमें डाउट हो रहा हो क्वेश्चन भी सॉल्व करने में किसी एनी टाइप का, अगर आप वीडियो के जरिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ये जो नंबर लिख रहे हैं 7 6 7 3 8 7 1 3 8 2, तो ये आप लोग कल 9 to 10 कॉल कर सकते हैं, इसमें 9 से 10 बजे AM तो आप कॉल कर सकते हैं और उसके बाद इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब आप लोगों से हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप लोग घर में रहिएगा, इसके साथ बदमाशी नहीं किए ना कोई शरारत, और आप लोग सेफ रहिएगा, कोरोना वायरस सेफ रहना है, बाहर नहीं जाना है, तो स्टे होम एंड सेफ होम। तो इसलिए आप ये क्लास यहीं तक एंड करते हैं, सो नाउ टुडेज एंड ऑफ दिस क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।